चीन के पड़ोसी देश को अब वो ताकत मिलने जा रही है जिससे चीन का पड़ोसी देश अपने दुश्मनों को मात दे सकेगा, और वो ताकत चीन के पड़ोसी देश को भारत देगा। जी हाँ, और कोई नहीं, भारत। भारत चीन के पड़ोसी देश को वो ताकत देने जा रहा है जिससे वो और मजबूत हो जाएगा, और उस देश का नाम है फिलीपींस, जिसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी नहीं चलने वाली है। चीन के पड़ोसी फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की खेप की डिलीवरी की जा रही है। ये ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस मरीन कॉर्प्स की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट के लिए बनाई गई हैं, जो दक्षिण चीन सागर में उसकी डिफेंस पावर को और बढ़ाएंगी। ये क्षेत्र चीन के साथ चल रहे समुद्री विवादों वाला इलाका है, और इसी वजह से फिलीपींस अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। दरअसल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोलिया ने मिलकर बनाया है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक थी, जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद बढ़ाया गया। वही ब्रह्मोस के 85% पार्ट भारत के अंदर ही बनाए गए हैं। फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होने से न सिर्फ खतरे का जवाब देने में फिलीपींस की सेना की ताकत की बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के विरोधियों को मार गिराएगी और फिलीपींस की रक्षा करेगी। तभी तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो रहा है। दरअसल भारत फिलीपींस दोनों ही चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकना चाहते हैं। फिलीपींस अमेरिका और भारत का सबसे पुराना सहयोगी है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, दक्षिण चीन सागर में कई इलाकों में चीन के बढ़ते दबाव से चिंता में हैं। साथ ही फिलीपींस भी दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का चीन के साथ तनाव है, जिसके चलते फिलीपींस खुद को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में करीब 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करेंगी। इसके अलावा फिलीपींस को एक नया विश्वसनीय रक्षा सहयोगी मिल जाएगा, जो हर संकट से उसकी मदद करेगा। ये ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस के लिए काफी अहम हैं। भारत और रूस की साझेदारी में बनी ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरण वाला रॉकेट है, जो लॉन्च करने के बाद खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेती है और दुश्मन को मार गिराती है, जो अब फिलीपींस की सेना के पास भी होगी। वहीं कहा जा रहा है कि फिलीपींस को उम्मीद है कि ब्रह्मोस मिसाइलें चीन को दक्षिण चीन सागर में कब्जा करने से रोकेंगी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जो द्वीप हैं उन पर कई देशों का दावा है, लेकिन वो फिलीपींस के आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर नहीं चाहते कि 2012 जैसा हाल दोबारा हो, जब चीन ने तटरक्षक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नावों से फिलीपींस से करीब 130 मील दूर स्कारबोरो शोल पर कब्जा कर लिया था। और एक बार फिर फिलीपींस नहीं चाहता कि चीन उस क्षेत्र पर कब्जा करे। फिलहाल हाल ही में फिलीपींस ने चीन से दो टूक कह दिया था कि अब बस, चीन ने अगर फिर से दक्षिण चीन सागर में कोई हरकत की या फिर फिलीपींस को डराने धमकाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने बेहद तल्ख लहजे में कहा था कि हम किसी देश से संघर्ष नहीं चाहते, खासतौर से उनसे जो हमारे दोस्त होने का दावा और दिखावा करते हैं, लेकिन हमें डरा धमका कर चुप कराने की सोचते हैं। फिलीपींस की ये ललकार दक्षिण चीन सागर में चीनी कोस्ट गार्ड की हालिया हरकत के बाद आई, क्योंकि पिछले दिनों चीन ने फिलीपींस के सप्लाई जहाज पर वाटर कैनन से बौछार कर दी थी, जिसके बाद फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन में चीनी दखल के खिलाफ आवाज उठाई और ऐलान कर दिया था कि चीन की हर हिमाकत का जवाब फिलीपींस जरूर देगा। जिसके बाद भारत से फिलीपींस की ब्रह्मोस खरीदने को लेकर डील हुई, क्योंकि ब्रह्मोस काफी खतरनाक है। दरअसल ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार है। इस मिसाइल की काट चीन के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश के पास नहीं है। ये दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर, हवा में लड़ाकू विमान, पानी में युद्धपोत और पानी के अंदर पनडुब्बी से दागा जा सकता है। ऐसे में चीन कभी भी इस मिसाइल के सामने आने की हिमाकत नहीं करेगा, और यही फिलीपींस चाहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के किनारे बसा फिलीपींस इस समय चीन की आंखों में नासूर बना हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में स्थित सेकंड थॉमस शोल नाम के एक छोटे से द्वीप पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि द्वीप स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा है। हालांकि फिलीपींस ने इस द्वीप पर कब्जा
जमाया हुआ है और अपने कुछ सैनिकों को भी यहाँ एक पुराने जहाज को फंसाकर उस पर तैनात किया है। लेकिन जब भी फिलीपींस उस द्वीप पर सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करता है, चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज उनका रास्ता रोक लेते हैं। चीन के जहाजों ने कई बार फिलीपींस के जहाजों पर पानी की बौछारें की और टक्कर तक मारी। ऐसे में चीन की विशाल सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए फिलीपींस भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और अब चीन की हिमाकत का जवाब फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल से देगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।